Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल द स्क्विड स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग जो है क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो वीडियो नहीं बनाएंगे, तो इसलिए जो है आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, ठीक। और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये कह सकता हूँ कि जो है आपके लिए यह चैनल इम्पॉर्टेंट रहेगा, आपको कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि जितने लोग के पास हो सके उतने लोगों के पास इस चैनल को पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करना, ठीक। तो हम अपने उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे कि किसी बिंदु आवेश के कारण, कल का लिखा हुआ है अभी तक इसको मिलाया नहीं गया, आज हम लोग चर्चा करेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज हमको इसका डेरिवेशन करना है। तो देखिए, कल हमने एक चीज बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश लाने पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब कल हमने बताया था E बराबर होता है F अपान क्यू नॉट। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में हम परीक्षण आवेश लेके आते हैं तो वही हम आपको जो है क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चलती है। तो मान लेंगे, पहले आप समझ लीजिएगा, उसके बाद जब मैं लिखने को बोलूं तब लिखिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए कोई आवेश है क्यू प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ भी आप मान सकते हैं। एक आवेश है प्लस क्यू, इससे आर दूरी पर स्थित, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है। तो अगर हम इसको मान लें कि एक ए पर एक बिंदु ए है जिस पर आवेश प्लस क्यू स्थित है, इससे आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो इसको हम पी मान ले रहे हैं, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। क्या ज्ञात करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चीज है, तो ये हमारा, मान लीजिए कि यहां पे हमने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब मिलेगी हमको, जब F मिलेगा और Q नॉट मिलेगा। मतलब जब वैद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश आता है तब वह बल का अनुभव करता है। इसका मतलब कि भाई ये हमारा जो प्लस क्यू है इसके आर दूरी पर स्थित कोई बिंदु है और इस पर जब हम परीक्षण आवेश लेके आएंगे ना, अर्थात प्लस क्यू नॉट लेके आएंगे, तो इस पर जो है एक बल लगेगा, एक बल का अनुभव होगा। और जो बल का अनुभव होगा वो बल और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इसमें वैद्युत क्षेत्र की थी, पिछले वीडियो में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत, मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और परीक्षण आवेश के विषय में हमने पूरा विस्तार में बताया है और वैद्युत क्षेत्र क्या है इसके विषय में। तो हमने कहा है कि आप जो है क्रम से जरूर देखिए और उसको अपने अलग एक कॉपी बना लीजिए, उसमें आप उसको लिखते रहिए, ठीक। बाकी जब आपकी क्लास में जब पढ़ाया जाएगा तो आप वहां भी पढ़िएगा, लेकिन ये जो है आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझे रहते हैं तो आपको क्लास में कुछ भी पढ़ाया जाएगा आपको समझ में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे। ये चित्र आपको सबको समझ में आ गया होगा कि एक बिंदु ए है जिस पर हमारा
आवेश प्लस क्यू है, इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है पी, जहां पे हमको वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम मान लेंगे कि बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट स्थित है। तो हम सबसे पहले यही चीज लिखेंगे जितना हमने बोला। क्या बोला कि चित्र में बिंदु ए पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जिससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मान लेते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट है, ठीक। इतना लिखने के बाद लिखेंगे तो कामा लिखेंगे, फिर नई लाइन लिखेंगे बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश के कारण लगने वाला बल F बराबर, देखिए बिंदु P पर स्थित परीक्षण आवेश Q नॉट है के कारण लगने वाला बल। तो जो इस पर बल लग रहा है उस बल का मान क्या होगा? तो कल जो है हमने बताया था कि जिसमें हमने आपको कूलाम का नियम समझाया है, तो उसमें हमने बताया था कि F बराबर होता है 1/4πε0 के, ठीक, Q1 Q2 r2। तो ये हमारा कब था? ये था कि जब पहला आवेश Q1 हो, दूसरा आवेश Q2 हो, तो हमारा फार्मूला था F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r2। तो यहाँ पे Q1 का मान Q है और Q2 का मान Q0 है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम? F बराबर 1/4πε0 के इंटू Q0 r2। ये हो जाएगा हमारा समीकरण एक। किसी को अगर समझने में कोई समस्या हो रही, तो आप लोग कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं। आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए। हेलो रोहित, आशीष, दीपक, मानसी, देवेश, सुरेश, शिवानी गुप्ता, और ठीक, तो आप लोग जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए हम इसके बाद देखते हैं, अर्थात F का मान हमको मिल गया। अभी हमने एक फार्मूला लिखा, कि E बराबर होता है F/Q0। हमको F का मान मिल गया है, क्योंकि वेक्टर लगा हुआ है इसलिए इसको लगा दीजिए। F बराबर हमको इतना मिल गया है, इसका मतलब जब हम इसमें मान रखेंगे तो हमारा E बराबर क्या हो जाएगा? F, और F का मान है 1/4πε0 के इंटू Q0 r2। ये तो हो गया F के स्थान पर, और बटे Q0 है इसी के नीचे इंटू Q0 हो जाएगा। फिर देखिए Q0 से Q0 हमारा कट जाएगा, यानी कि E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू Q/r2। इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, इसको आप लोग ये चीजें देखिए, जब कभी भी जब न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही निकालने को आता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने को आता है, आप लोग याद रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 के Q/r2। तो ये आपका फार्मूला है, और यहां अगर लिखना चाहें तो जहां 1/4πε0 k का मान होता है 9×10⁻¹, ठीक। तो जहां पे k का मान आपका 1/4πε0 k का मान यही होता है।
तो इसको आप लोग एक बार लिख लीजिए। और इसके मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक, अगर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आता है तो भाई क्योंकि पता है यह मान बल है हमारा, बल का मात्रक न्यूटन, और क्यों मतलब आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलम्ब, तो वही न्यूटन प्रति कूलम्ब। ठीक, तो इसको आप लोग लिख लीजिए, ये आपका डेरिवेशन पहला था। आगे हम लोग चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, देखिए वैद्युत द्विध्रुव का मतलब क्या हुआ कि वैद्युत द्विध्रुव एक निकाय है, एक युक्ति है, समझिएगा। इसमें देखिए नाम से स्पष्ट है, द्विध्रुव मतलब जिसके जो है दो ध्रुव हो वही हमारा द्विध्रुव कहलाएगा। मतलब कि ऐसा निकाय जिस पर जो है दो विपरीत आवेश एक साथ जुड़े रहते हैं। मतलब कि द्विध्रुव हमारा जो होता है, देखिए दो विपरीत आवेश, मतलब एक अगर प्लस क्यू आवेश है तो एक माइनस क्यू आवेश है, और इसके बीच की दूरी हमारी 2R होती है। तो जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, 2R क्या मतलब इसमें L लेते हैं, 2L लेते हैं, तो जो यही है हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो चित्र हमने बनाया है। तो समझिएगा परिभाषा पहले आप लोग लिख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, बराबर का मतलब कि अगर एक कूलम्ब धन आवेश तो एक कूलम्ब ऋण आवेश, दो कूलम्ब धन आवेश तो दो कूलम्ब ऋण आवेश, तीन कूलम्ब धन आवेश तो तीन कूलम्ब ऋण आवेश। मतलब क्या बताया हमने कि वैद्युत द्विध्रुव वह युक्ति है जिसमें समान और विपरीत आवेश, मोहित सर समझ में आ रहा है, पंकज सर समझ में आ रहा है, ठीक, हेलो देवानंद। चलिए तो हमने क्या बोला, आप लोग लिख लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी एक आवेश और उनके बीच की जो अल्प दूरी है इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। फिर नीचे फॉर्मूला लिख लीजिएगा P बराबर 2QL, भाई जो आवेश है यानी Q और जो 2L है इसके गुणनफल के बराबर होता है, P बराबर 2QL, इसको आप लोग लिख लीजिएगा P बराबर 2QL, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, यही हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक, तो कल हम चर्चा करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और कल ही हम लोग चर्चा करेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आप लोग वीडियो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे तभी जो है ये क्लास लगातार चलेगी। और आपको अगर आप 3 क्लास पढ़ चुके हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि हाँ ये क्लास इम्पॉर्टेंट है, चलनी चाहिए। तो अगर चलनी चाहिए तो आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, सब्सक्राइब करवाने का प्रयास करें। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप हमारे लिए मेहनत करें। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।